हेलो फ्रेंड्स, मैंगो का सीज़न है तो बनाते हैं ये टेस्टी टेस्टी ठंडा ठंडा मैंगो फालूदा, वो भी घर के सामान से, जिसे बनाना बहुत आसान है और आपको मार्केट से ज़्यादा कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर लेंगे हम 1 kg फुल फैट मिल्क। आप मार्केट से पैकेट का मिल्क भी ले सकते हैं या नॉर्मल मिल्क भी ले सकते हैं। तो इसको हमें गर्म कर लेना है और इसमें डालेंगे हम 1 tablespoon चीनी। थोड़ी सी और डाल लें, लेकिन इसमें मीठा जो है वो थोड़ा कम ही चलता है। और इसमें चम्मच चलाकर हम इसे रबड़ी बना लेंगे, यानी कि हमें इसे इतना गाढ़ा कर लेना है कि रबड़ी तैयार हो जाए। जैसे ही यहाँ साइड में मलाई आती रहेगी, उस मलाई को भी हम चम्मच से हटाते रहेंगे। तो इतना हमारी रबड़ी रेडी होती है, इतना हम बना लेते हैं मैंगो सिवैयाँ। मैंगो सिवई बनाने के लिए यहाँ पर लेंगे हम एक मैंगो और उसका पल्प निकाल लेंगे। मैंगो मीठा होना चाहिए, क्योंकि खट्टा जो मैंगो होगा उसमें वो टेस्ट नहीं आता। तो गाइस, ये देखिए, मैंने चीनी कम इसलिए कराई है क्योंकि आम भी मीठा है और हमारी रबड़ी भी मीठी होगी, और जो हम आगे रेडी करेंगे, जो इसके हम सिवैयाँ बनाएंगे, उसमें भी हमें शुगर की ज़रूरत होगी। तो इसलिए हमें यहाँ पर हर चीज़ को बैलेंस करके चलना है। तो जैसे ही ये पल्प निकल जाएगा, हमें इसकी एक फ़ाइन प्यूरी तैयार कर लेनी है। तो हम इसे जार में डालेंगे और जार में डालने के बाद हम इसकी एक फ़ाइन प्यूरी रेडी कर लेंगे। ध्यान रखना, अच्छे से बना लें, अगर थोड़ा सा मोटा रहेगा तो सेवई बनाने में प्रॉब्लम होगी। और इस प्यूरी को हमें एक पैन में निकाल लेना है, अच्छे से साफ़ कर लेना है इसको। और इसमें डालेंगे हम यहाँ पर 1/4 cup पिसी हुई चीनी। तो देखिए, मैंने बोला था आपको चीनी की यहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर डालेंगे 3 tablespoon कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर जो है इसको बहुत अच्छा टेस्ट देता है, क्योंकि जो वनीला फ्लेवर होता है वो और फ्लेवर को भी एनहेंस कर देता है। यहाँ पर डाला है 1 tablespoon कॉर्नफ्लोर और 2 cup पानी डालेंगे। कॉर्नफ्लोर हमने इसलिए लिया है क्योंकि कॉर्नफ्लोर और जो ये वनीला का जो हमने कस्टर्ड पाउडर डाला है, ये इसको फ्लेवर देता है और इसको बाइंड भी करता है। तो यहाँ पर हमें गैस पर रखने से पहले ही इसको क्या कर लेना है, हल्का सा चम्मच चलाकर जितने भी लम्स हैं वो सब हमें से रिमूव कर देने हैं, क्योंकि अगर हम इसी स्टेज पर गैस पर रख देंगे तो सब बेकार हो जाएगा। तो अच्छे से हमें इसे मिला लेना है और गैस पर रखना है, और लो फ्लेम पर चम्मच चलाते हुए इसे पका लेना है, जब तक कि ये गाढ़ा बैटर ना तैयार हो जाए। तो चम्मच चलाते रहना है। इस स्टेज पर आप इसे छान भी सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको छान लिया था, और छानने के बाद यहाँ पर ये जो इसकी प्यूरी है वो इतनी स्मूथ हो गई थी, और इसको गाढ़ा कर लेना है बहुत ज़्यादा। ये देखिए, मैं यहाँ पर इसको पकाते जा रही हूँ और ये अपने आप देखिए गाढ़ा होता जा रहा है। बस हमें ऐसा टेक्स्चर चाहिए। अब हमें क्या करना है, गैस से उतार लेना है, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। इसको हल्का सा ठंडा करने के बाद हम इसे पाइपिंग बैग में डाल लेंगे। आप नॉर्मल पॉलीथीन की भी पाइपिंग बैग बना सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास पाइपिंग बैग रखा हुआ था तो मैंने इसको इसमें डाल दिया। लेकिन ध्यान रखना, पाइपिंग बैग 2 बनाना। मैंने यहाँ पर पाइपिंग बैग 1 में करके इसको दूसरे पाइपिंग बैग में डाल लिया था, और ये बहुत गर्म है, बस ध्यान रहे कि ये जो है जल ना जाए। और हमें लेना है यहाँ पर बर्फ़ का पानी, और इसमें हमें यहाँ पर ये सिवई निकाल लेनी है। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊंगी मैं कैसे निकाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने पहले इसको ऊपर से प्रेस किया, और नीचे से हल्के हल्के हाथ से हम यहाँ पर प्रेस करते रहेंगे। ये थोड़ी मोटी ज़रूर निकलती है, अगर हम इसको जो एक मशीन आती है इसे निकालने उससे निकालेंगे तो बारीक निकलेगी, पर इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। सच में आप इन्हें ट्राई ज़रूर करके देखना। मैं आपको कभी मशीन में भी ज़रूर करके दिखाऊंगी, पर मैंने बोला था कि मैं ज़्यादातर घर के सामान से करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने सारी सिवैयाँ, ये देखिए, इसको निकाल लिया। आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा लगता है। तो इतना हमारे यहाँ पर जो रबड़ी है वो भी रेडी हो गई है, और जैसे ये रबड़ी ठंडी हो जाएगी, इसमें हम डालेंगे 1/4 teaspoon इलायची पाउडर। इलायची पाउडर तो हमारी ट्रेडिशनल मिठाई में ज़रूर डलता है, तो रबड़ी ऑल्सो ट्रेडिशनल, तो इसमें तो हमने इलायची का फ्लेवर डाला है जो बहुत अच्छा लगता है। अब जो मैंने वो पानी लिया था, हम उसको रिमूव कर लेंगे। तो यहाँ पर ये सिवैयाँ जो है सारा पानी निकाल लेगी। अब हम इसे असेंबल करते हैं। तो असेंबल करने के लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले रूह अफ़ज़ा डाला है, जो मीठा तो होता ही है और साथ में खूबसूरत भी लगता है, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर मैंने थोड़े से मैंगो कट कर लिए थे, और यह सब्ज़ा जिसे हम चिया सीड्स भी बोलते हैं, उसको हम यहाँ पर डाल लेंगे। और ये भी आप ऑप्शनल है, अगर आपके घर में अवेलेबल है तो आप डाल लें, ना हो तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर रबड़ी डालें, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, उसके बाद दोबारा से फिर हम सिवई डालेंगे। ऐसे ही हम पूरे ग्लास में इसको असेंबल कर लेंगे।
आप इसे एक बार जरूर ट्राई करना, मेरे कहने से आपको बहुत अच्छा लगेगा। बस थोड़ा ध्यान रखना है शुगर का, ज़्यादा मीठा ना हो, क्योंकि ज़्यादा मीठा कोई भी डेजर्ट हो वो अच्छी नहीं लगती, लाइट मिठाई अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर लाइक करें एंड शेयर करें, और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पर मैंने मैंगो आइसक्रीम डाली है, मैंने मैंगो आइसक्रीम बनाई थी, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप अगर चाहें तो वो भी देख लें। वो भी बहुत अच्छी बनी थी और ये भी बहुत टेस्टी लगा है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।